वेलकम टू इन्फोविजन सॉफ्ट टेक। आज मैं आपको पट्टे के सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाने जा रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर को हमने करीब 2 साल पहले लॉन्च किया था संपूर्ण भारतवर्ष में, और आज भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी ये सॉफ्टवेयर बड़ी जोरदार कामयाबी के साथ चल रहा है। हम पर भरोसा करने वाले और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन देने वाले सभी ईंट भट्टा पालकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आप सभी को यह सुनिश्चित करते हैं कि हम आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी निरंतरता बनाए रखेंगे, और हम सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको भट्टे के सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे सॉफ्टवेयर की लॉगिन विंडो है। यहाँ पे मैंने यूजर नेम एडमिन, जो भी आपके यूजर नेम पहले से बने होंगे, जो हम आपको बना के देंगे, जो ऑथेंटिकेशन राइट्स के साथ आपके सॉफ्टवेयर को मैनेज करेंगे, तो वो यूजर नेम यहाँ पर आ जाएंगे। और ये मैंने यहाँ पे एंटर किया एडमिन लॉगिन, पासवर्ड मैंने इसका भी क्वेरी रखा, मैंने इसको ब्लैंक छोड़ के साइन इन कर दिया। इसके बाद ये कंपनी की विंडो आपको ओपन हो जाएगी। आपके जितने भी भट्टे हैं, 1 से 2 भट्टे या 2 से 4 भट्टे, जितने भी आपके भट्टे हैं, उन सबके यहाँ पर कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, और जिस कंपनी में मैंने काम करना है उस कंपनी को मैं सेलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, कंपनी की एडिट कंपनी प्रोफाइल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी कंपनी की विंडो ओपन हो जाएगी। जो भी मैंने प्रोफाइल इसमें एंटर की है, मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, किसी भी इंफॉर्मेशन को। इसके बाद चेंज कंपनी, मैंने किसी दूसरी कंपनी में काम करना है, मैं यहाँ से दूसरी कंपनी सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद क्रिएट न्यू करके, मैंने कोई दूसरी अपनी कोई कंपनी बनानी है वो हम क्रिएट न्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सॉफ्टवेयर का बैकअप डेटा आप ले सकते हो अपने पेन ड्राइव में, कंप्यूटर के सिस्टम पे, या फिर आप जीमेल आईडी पे भी इसका बैकअप ले सकते हैं। इसके बाद मैंने आ जाना है एडमिनिस्ट्रेटर पे। एडमिनिस्ट्रेटर में सबसे पहले अकाउंट ग्रुप आप देख रहे हो, ये हमारे अकाउंट ग्रुप हैं भट्टे के, जिसमें कि लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, आपके सन्डरी डेटर्स, क्रेडिटर्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इसमें ग्रुप इसमें आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप आइटम हेड में आ जाइए, आइटम में यूनिट आपको मास्टर ये बनाने पड़ेंगे। इसमें आपको यूनिट ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई है और ये आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप आइटम ग्रुप पे आ जाइए, आइटम ग्रुप में आपके फिनिश्ड आइटम, कच्ची ब्रिक्स, रेड ब्रिक्स, ये सारे आपको आइटम ग्रुप मिल जाएंगे। इसके बाद आइटम मास्टर, ये मास्टर भी आपको ये डाटा आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपके सारे आइटम इसमें आ जाएंगे, जैसे आपकी कोला है, फर्स्ट क्लास हीट है, बुरादा है, डीजल है, मिट्टी, रेता, सांचा, लकड़ी, फ्लायर्स, ब्रिक्स, ये सब आइटम के नाम इसमें मास्टर में एक बार एंटर हो जाएंगे। उसके बाद मिसलिनियस में आपके सिटी विलेज ये मास्टर हैं, ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद व्हीकल मास्टर, जितने भी भट्टे पे आपके व्हीकल चलते हैं, ट्रैक्टर हैं, डंपर हैं, जेसीबी है, ये सब की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद मैं आऊंगा अकाउंट लेजर पे। लेजर पे यहाँ पे जैसा कि आप ये लिस्ट देख रहे हो, इसमें सारे लेजर्स आपको एंटर हुए मिल जाएंगे। अब मैंने कोई नया कोई भट्टे का खाता एंटर करना है तो मैं क्रिएट न्यू पे जाऊंगा, और क्रिएट न्यू पे जाके आप कस्टमर बना सकते हो, सप्लायर बना सकते हो, एजेंट, पथेर, निकासी, ये सारे आप इस तरह से भट्टे के खाते यहाँ पे बन जाएंगे। सपोज मैंने कोई नया पथेरा बनाना है तो क्रिएट पथेरे पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं कोई भी नया पथेरा बना दूंगा। सपोज कोई एक्स वाई जेड कोई पथेरा मैंने बनाया, इसका ग्रुप पथेरा आ जाएगा यहाँ पे, और इसका कोई ठेकेदार है तो ठेकेदार मैं इसमें से सेलेक्ट कर लूंगा, अगर ठेकेदार नहीं है तो उसको खाली छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद मजदूरी, मजदूरी के हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, मजदूरी पर क्वांटिटी और मजदूरी पर डे। अगर पर डे पे उसकी कोई मजदूरी या दिहाड़ी बेस पे काम कर रहा है तो वो यहाँ पे
पर डे के हिसाब से आ जाएगा। और अगर मजदूरी क्वांटिटी पे कर रहा है, यानी कि 1000 क्वांटिटी पे कर रहा है, तो यहाँ पे हम उसका रेट डाल देंगे, सपोज 400 रुपया उसकी रेट है इसका, 1000 ईंटों पे 400 रुपया। तो इस तरह से ये यहाँ पे उसको सेव कर देंगे और ये हमारा इसमें बथेरा आ जाएगा, इस लिस्ट में आपका एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भट्टे के खाते का बनाने का काम मेरा यहाँ पे पूरा हो गया। अब मैं आगे जाऊंगा। एडमिन सेटअप में आप यूजर मैनेजमेंट में आपके यहाँ पे सारे यूजर बन जाएंगे अलग अलग राइट्स के साथ। ये एडमिन यूजर है, इसलिए आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको टिक टिक मिल रहे हैं, क्योंकि एडमिन यूजर पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। इसके बाद जीएसटी सेटअप, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, जीएसटी बेस है, तो यहाँ पे जीएसटी का सेटअप आपका बन जाएगा। इसके बाद आप बैकअप ले सकते हो डाटा बेस का, अपने सॉफ्टवेयर का बैकअप आप यहाँ से ले लेंगे पेन ड्राइव में, और जीमेल आईडी पे आपका वो बैकअप सेव हो जाएगा। इसके बाद रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में मिट्टी टाइप, कितने टाइप की मिट्टी है, वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप डाल दोगे। इसके बाद मिट्टी वाउचर है, मिट्टी वाउचर कच्ची ईंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मिट्टी की एंट्री कर लेंगे, किस लोकेशन से मैंने मिट्टी उठाई है, उस लोकेशन का नाम आ जाएगा, चालान नंबर आ गया आपका, किस व्हीकल में वो मिट्टी आई है उस व्हीकल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ड्राइवर कौन है, ऑनर कौन है, मिट्टी कौन सी है, और किस लोकेशन पे मिट्टी को मैंने अनलोड किया वो आ जाएगा, उसका वेट क्या है वो आ गया, क्वांटिटी रेट अमाउंट और एक्सपेंसेस टाइप क्या है, मिट्टी फ्रेट है या मिट्टी लोडिंग है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद ये नीचे एक ऑप्शन आपको टिक करना है, इनेबल मटेरियल परचेज, मैंने मिट्टी कहाँ से परचेज की है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, इस उसका खेत का मालिक कौन है, उसका मैंने यहाँ नाम डाल दिया लेजर नेम में। उसके बाद मिट्टी टाइप, वेट, क्वांटिटी आ गई, रेट अमाउंट, और ये इस तरह से मिट्टी का वाउचर मेरा बन गया। अब मैंने मिट्टी वाउचर के बाद अब मैं बनाऊंगा कच्ची ईंटें, यानी कि ब्रिक्स पथाई होगी। अब यहाँ पे ये मैंने एंटर डाल के रखा डाटा, सपोज कल की डेट 8 तारीख की डेट में मैंने इस लोकेशन से करीम पथेरा ने कितनी ईंटें बनाई हैं, 20,000 ईंट बनाई हैं, ठीक है जी। अगर कोई कार्ट है तो मैं कार्ट डाल दूंगा, नहीं तो मैं 0 डाल के आगे बढ़ूंगा, और ये वाउचर मेरा यहाँ सेव हो गया। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि करीम पथेरा ने 20,000 ईंट बना दी। अब मैं करीम पथेरा का अकाउंट स्टेटमेंट चेक करूंगा, इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो मैंने पथेर सेलेक्ट किया, शो किया, और ये देखिए डेट के अकॉर्डिंग जिस डेट से आपको चाहिए उस डेट तक का सारा आपको डाटा मिल जाएगा। ये पूरा डिजिटल टेक्निक के माध्यम से ये सॉफ्टवेयर काम करता है, इसलिए हमने इस सॉफ्टवेयर का नाम भट्टे का डिजिटल मुनीम रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करीम पथेरे का पूरा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया, उसने कितनी ईंटें बनाई, उसको कुछ पैसा दिया गया, ये देखो 20,000 ईंटें इसने बनाई थी जो हमने आपको डाल के दिखाई थी, ये उसका 9,000 रुपये बन गया, और ये इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अब मेरी कच्ची ईंट बन गई है। अब मैं इस पे आऊंगा फ्लाई ऐश टाइल, ये आपके भट्टे पे अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स इंटरलॉक टाइल का काम होता है तो वो काम भी आप इस सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद कोई खराबा है, खराबा वाउचर में डालूंगा, कोई सपोज मैंने इस लोकेशन से ईंट उठाई और यहाँ पे डाल दिया मैंने एबीसी पथेर, सपोज 5,000 ईंट मेरी गल गई बारिश में, और ये एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी खराबा वाउचर की। इसके बाद मैं करूँगा कच्ची भराई, यहाँ पे कच्ची भराई करेंगे हम, सपोज इस लोकेशन से पथेर लोकेशन से मैंने ईंट उठाई, किशन कोई भराई वाला है उसने, या कितनी ईंटें उसने क्या भराई की है, ब्रिक्स की भराई करी है, कितनी क्वांटिटी उसने भराई करी, सपोज 20,000, काट है कोई तो काट लगा दो, नहीं तो 0 डाल के, अनलोड कहाँ पे करी, भट्टे में अनलोड करे, और कोई पथेर का आपने नाम देना तो वो पथेर का नाम भी हम यहाँ पे दे सकते हैं कि किस पथेरे की ईंटें उठाई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ईंटों की भराई हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि पथेर स्टॉक समरी यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में, कि ब्रिक्स की अभी इतनी ईंटें बची हुई हैं और टाइलें इतनी बची हुई हैं।
इसके बाद मैं निकासी करूंगा। मैंने ईंटें भट्टे में डाल दी हैं भराई के लिए। अब मैं ईंटों की पकने के बाद उसकी मैं निकासी करूंगा, तो मेरी ईंटें बाहर निकल आएंगी। कौन सी लाइन, लाइन सपोज लाइन वन से मैंने ईंटें निकाली हैं, कितनी मेरे लेबर लगी, मेरे ऑल मतलब सभी लेबर ने काम किया, तो यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन डाल के कितनी लाइन उठाई, तो यहाँ पे जितने भी आपकी लेबर है आप वन बाय वन भी कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा लेबर ने काम किया तो ऑल डाल के नीचे सारी लेबर आ जाएगी। और मैं सपोज तीन लेबर ने ईंटें निकाली हैं, तो मैं तीनों को टिक करके, तो ये इस तरह से क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगी तीनों में। तो इस तरह से यहां मेरा निकासी का वाउचर बन गया। अब निकासी मेरी ईंटें बाहर निकल आई, अब मैं उसकी स्टॉक वेरिफिकेशन करूंगा। स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब एक तरह से मैंने स्टॉक को ट्रांसफर करना है, जो मेरी पकी ईंटें निकली हैं उस स्टॉक को मैंने ट्रांसफर करना है अपने पक्के स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे मैं सेम वही मेरे क्या आइटम है उस हिसाब से, फर्स्ट क्लास की मेरी अब ईंटें निकली, फर्स्ट क्लास की कितनी निकली, सेकेंड क्लास की कितनी निकली। हमने वहां से निकासी में सिर्फ ब्रिक निकाली थी, लेकिन यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन करूंगा कि फर्स्ट क्लास की कितनी निकली और सेकेंड क्लास की कितनी निकली। तो यहाँ पे मेरे को पूरा वेरीफाई हो जाएगा कि मेरी किस किस टाइप की कैटेगरीज की ईटें मेरी कितनी कितनी निकली है। इसके बाद मैं परचेज में जाऊंगा। मैं अपना कोई परचेज वाउचर है, मैं यहाँ पे अपना कोई परचेज कर लूंगा। सपोज ये कोई सप्लायर है बनाया क्लिंग, और यहाँ से मैंने परचेज किया। सपोज मैंने कोला परचेज किया, सपोज मैंने 15 टन कोला परचेज किया 1500 के हिसाब से। मैंने बुरादा परचेज किया 20 कुंटल 1000 रुपए के हिसाब से। इस तरह से मैं परचेज यहाँ पे वाउचर बना दूंगा, तो यहाँ से मेरा परचेज वाउचर बन जाएगा जो भी आप परचेज करते हैं इन्वेंट्री आइटम। परचेज के बाद अब मैं बनाऊंगा सेल वाउचर, जो मेरे चालान है वो बनेंगे यहाँ से। ये एक मैंने बना के रखा है, सपोज ये एक ये मेरी पार्टी है एमएस कंस्ट्रक्शन। मैंने एमएस कंस्ट्रक्शन को क्लास की कितनी ईटे बेची हैं, 1500 ईटे बेची हैं। रेट क्या है, रेट करीब 1500 के हिसाब से। एक ईट का रखते हैं यहाँ पे, एक ईट का रेट डाल देते हैं 7 रुपए। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अब सपोज 7 रुपए मैंने यहाँ डाल दिया, अब अगर क्लाइंट बोलता है कि अब इसका नेट अमाउंट कितना बन गया 10,500, तो उस बोलता है कि मैं तो खाली 10,200 देना आपको, तो ऑटोमेटिक वो रेट को उस हिसाब से कैलकुलेट करके वो उसको 6 रुपए 80 पैसे की पड़ गई। तो ये आपको फीचर इसमें मिल जाएगा, ये फीचर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। जितने भी इंडिया में सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ये फीचर किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, सिर्फ ये फीचर हमारे सॉफ्टवेयर में ही आपको मिलेगा। तो यहां से ये मेरा बन गया सेल वाउचर। बस इसको मैं प्रिंट करके, इसे प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए। अब एक पेज पे मैंने दो फॉर्मेट दिए हैं, एक फॉर्मेट जाएगा कस्टमर कॉपी, ये कस्टमर कॉपी, और ये डुप्लीकेट कॉपी, ये आपके पास है मिलेगी आपको, ये आपके पास ही रहेगी डुप्लीकेट कॉपी। तो एक एक ही पेज पे आपके दो फॉर्मेट आ गए, इसको बीच में से कट करके आप फॉर्मेट को अलग अलग कर लो। मेरा सेल वाउचर बन गया। अब मैं जाऊंगा लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग में जितने भी मेरी लेबर लगी है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, उसके वाउचर की यहाँ डिटेल डाल दूंगा। यहाँ पे मैं अपना चालान नंबर सेलेक्ट करूंगा, किस बिल नंबर के अगेंस्ट मेरी लोडिंग अनलोडिंग हुई है, उस हिसाब से लोडिंग अनलोडिंग हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट। सपोज कोई पार्टी ने मुझे कैश रिसिप्ट दी है, पेमेंट दिया है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे कर लूंगा मैं। एमएस कंस्ट्रक्शन में मेरा 1,30,000 पड़ा है जो मैंने उससे लेना है, उसने सपोज मुझे 50,000 दे दिया, बस उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो वो 50,000 मेरे पास आ गए, और वो 50,000 जो कैश आए मेरे पास, वो यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हो, इधर कैश इन हैंड, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा कैश इन हैंड में, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही कैश पेमेंट है, जो मैंने पेमेंट मैंने देनी है सप्लायर को देनी है, जो मेरी पेमेंट होती है भट्टे से, उसकी यहाँ कैश पेमेंट की यहाँ एंट्री हो जाएगी। जो कैश पेमेंट मैं दूंगा वो कैश इन हैंड में से लेस हो जाएगा।
इसके बाद मैं अपने अकाउंट की रिपोर्ट देखूंगा। अकाउंट स्टेटमेंट मैंने आपको पहले दिखाया ये था, सपोज यहाँ पे मैंने किसी का भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। सपोज एमएस कंस्ट्रक्शन का देख सकता हूँ, ये उसका पूरा रिकॉर्ड आ गया। एमएस कंस्ट्रक्शन एक कंट्री डेटर है, पार्टी है, उसको उसने क्या क्या मेरे से कब खरीदा है, उसने कितना डिपॉजिट किया है, मेरे को कितना उसने पैसा दिया है। ये देखो एच डी एफ सी बैंक में उसने 50,000 डिपॉजिट किया है, 1,80,000 का उसने पहले ईटें खरीदी थी, 1,30,000 इसका अभी बैलेंस बकाया है। इसके बाद में एक ग्रुप वाइज समरी रिपोर्ट है, ये मैं चेक कर लूंगा। कैपिटल अकाउंट क्या बोल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जितने भी अकाउंटिंग के ग्रुप हैं उनकी समरी आप यहाँ से निकाल सकते हो, आप साथ के साथ प्रिंट कर सकते हो पीडीएफ में भी और एक्सेल में भी। ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, पीडीएफ और एक्सेल दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपके डाटा क्रिएटर लिस्ट है, जो आपके देनदार हैं, जो आपके लेनदार हैं, आपके जो डेटर्स हैं उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी यहाँ से, आपके सप्लायर और आपके कस्टमर, डाटा क्रिएटर्स की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप एक्सेल में और पीडीएफ दोनों में आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद ये मेरी डे बुक है, कैश बुक, आप यहाँ से डे बुक निकाल सकते हो, ये मेरी डे बुक होगी। आपके डेबिट और क्रेडिट आपके दोनों सेम है, यानी कि मेरा कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि मेरे अकाउंटिंग की एंट्री ओके है, जो मैंने एंट्री करी है वो मेरा अकाउंटिंग का पार्ट ओके है। इसके बाद आप यहां से ट्रायल बैलेंस अपना चेक कर सकते हो, आज तक की डेट का 9 जुलाई को मेरा ट्रायल बैलेंस क्या बोल रहा है वो आप यहां से आप चेक कर सकते हो। नीचे कोई डिफरेंस नहीं है, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हैं, यानी कि मेरे अकाउंटिंग की एंट्री प्रॉपर है, जो भी मैंने अपना डाटा एंटर किया है वो प्रॉपर वे से सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा है। इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा, आज की डेट में मेरा क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, आपको सारे स्टेटमेंट आपको यहाँ से आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट यहाँ से आपको मिल जाएगी। आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,10,000 दिखा रहा है। आपके जो परचेज आपने की, आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ से आए, आपके ब्रिक्स के ऊपर, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे, ब्रिक्स के भराई पे, निकासी पे, जो आपने डायरेक्ट आपने लेबर को आपने पे किया है, तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। और जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे भट्टे के, आपके भट्टे के जो मिसलिनियस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो मेरा इसमें कोई अभी एक्सपेंसेस हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, तो मेरे को नेट प्रॉफिट जो दिखाएगा वो सेम वही दिखाएगा जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी कि 1,10,000 का ही मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है। यहाँ से मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा, बैलेंस शीट पे क्लिक करके ये यहाँ से मेरी बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट भी मेरी बिल्कुल ओके है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो मेरी लाइबिलिटीज है वो भी 2,00,000 है, जो मेरी एसेट है वो भी 2,00,000 है, यानी कि मेरा अकाउंटिंग का कोई एरर नहीं है, कोई एंट्री में मेरी एंट्री बिल्कुल अब तक ओके है। तो ये आपकी अकाउंटिंग की रिपोर्ट होगी, ये आपकी एमआईएस रिपोर्ट होगी, जो आपके भट्टे पे रिपोर्टें चलती हैं आपका। यहाँ से आप डेली डायरी पर्चा आप यहाँ से चेक कर सकते हो, आज की डेट में आपका पर्चा क्या बोल रहा है, यहाँ से आप पर्चा निकाल सकते हो। आपकी कैश पेमेंट कितनी हुई है, कितनी सेल हुई, कितनी क्रेडिट की सेल हुई, कितनी कैश की सेल हुई, आपका कैश इन हैंड कितना दिखा रहा है, यहाँ से अब आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये मैं 8 तारीख के मैंने एंट्री करी हुई है, तो 8 तारीख का मैं आपको दिखा देता हूँ डाटा। ये देखिए 8 तारीख का आपको सारा डाटा निकाल दिया, कैश पेमेंट कितनी हुई 8 तारीख को और मेरे पास कैश रिसिप्ट कितनी आई, वो सारा डाटा आपको इसमें दिखा देगा। आपका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है आपको इसमें स्टॉक भी दिखा देगा, आपके पर्चे में कितना आपका स्टॉक है सारा कुछ दिखा देगा, फिनिश्ड आइटम स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक, सारा कुछ आपको दिखा देगा। इसके बाद आप मिट्टी वाउचर की एंट्री जो आप इसमें डाली है वो आप देख सकते हो, व्हीकल वर्क रिपोर्ट देख सकते हो, ग्रुप वाइज कंप्लीट लेबर लिस्ट, मैंने पथियर की लेबर लिस्ट देखनी है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ये पथियर की लेबर लिस्ट है, मेरे पथियरों की लिस्ट है ये। इसके बाद आप वर्क लेबर लिस्ट ऑफ जमादार ठेकेदार, जो आपके ठेकेदार हैं, सपोज विष्णुपाल एक ठेकेदार है, उसके अंदर सपोज करीम पथेरा काम कर रहा है, तो ये करीम पथेरा की यहाँ पे लिस्ट आ गई, इसका प्रिंट व्यू निकाल सकते हो पीडीएफ और एक्सेल दोनों में। इसके बाद आपने देखनी है कि मेरी पथेर वर्क समरी, जो भी आपके भट्टे पे पथेरों ने काम किया
किस लोकेशन से काम किया, पते लोकेशन पे, और यहाँ पे आपने शो करना है। तो मेरे पास ये सारी आपको डिटेल मिल जाएगी पथेरों की, कि किस पथेर ने कितनी ईंटें बनाई हैं, कितनी खराबा हो गई, कितनी भराई हो गई, और उनका टोटल पेमेंट कितना बन गया। यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट जो दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि इस पथेरे ने, करीम पथेरे ने 23,000 का काम कर दिया, 23,948 का काम कर दिया, ये वो दिखा रहा है। इसी तरह से मैं अपनी भराई की रिपोर्ट चेक कर लूंगा, निकासी का रजिस्टर चेक कर लूंगा, ये आपका निकासी का रजिस्टर है। लेबर वाइज यहाँ पे मैं अपना निकासी का रजिस्टर चेक कर सकता हूँ, ये आपका निकासी का डाटा है। इसी तरह से मैं अपना इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस देख सकता हूँ, जो आपके इन्वेंट्री का आइटम है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके और उसका स्टेटस चेक कर सकता हूँ कि कितना मेरे पास बैलेंस पड़ा है इन्वेंट्री आइटम स्टॉक का। इसी तरह से मैं फिनिश्ड आइटम का चेक कर सकता हूँ यहाँ से, ये आपका फिनिश्ड आइटम का दिखा रहा है स्टॉक, इतना बैलेंस है, इतना सेल हो गया, इतना प्रोडक्शन हुआ और इतनी ओपनिंग थी। इसके बाद ये मेरी सेल की रिपोर्ट है, डेट वाइज सेल रजिस्टर में यहाँ से चेक कर सकता हूँ, इस डेट से इस डेट के बीच कितना मेरी सेल हुई है वो यहाँ पे डाटा आ जाएगा। इसके बाद ये मल्टीपल फिल्टर है, मैं अपने मल्टीपल फिल्टर के हिसाब से पार्टी नेम, मोबाइल नंबर, उस हिसाब से मैं फिल्टर लगा के उसको रजिस्टर को मैं निकाल सकता हूँ। ये व्हीकल रिपोर्ट है, इसके बाद ये परचेज की रिपोर्ट है, ये व्हीकल रिपोर्ट में आपकी व्हीकल वाइज सेल कितनी हुई, प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज, ये सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ही फ्लेक्सिबल बना हुआ है, जो रिपोर्ट आपको लगता है कि ये रिपोर्ट हमें चाहिए तो आप हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट में बता सकते हैं, वो रिपोर्ट आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद ये वेजेस रिपोर्ट है, व्हीकल वर्क, कोई भी व्हीकल खाली पड़ा आपके पट्टे पे, उस व्हीकल ने कुछ काम कर दिया, कितने घंटे आपका व्हीकल चला, उसका रेट 1 घंटे का क्या है, अमाउंट क्या है, ये सारा आपको यहाँ से वाउचर मिल जाएगा। ऐसे ही आपका लेबर वाउचर आप यहाँ से देख सकते हो, कोई लेबर को दिहाड़ी बेस पे काम कर रहा है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हो कि इस लेबर ने टोटल डे इतना काम किया, उसका रेट इतना था, अमाउंट इतना बन गया। ये इशू वाउचर है, आपने कोई भी जैसे आपने साचा इशू कर दिया किशन को, तो ये उसका इशू वाउचर है, इशू वाउचर यहाँ से बन जाएगा। ये आपका अकाउंटिंग का वाउचर है, जो आपकी डबल एंट्री चलती है, डेबिट और क्रेडिट, उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। इसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एम्प्लॉय अटेंडेंस। ये फीचर भट्टे वालों को सबसे ज्यादा पसंद आता है, जितने भी हमारे भट्टा ओनर हैं। सपोज मैंने जून का देखना है, जून मंथ की मैंने एम्प्लॉय अटेंडेंस लगानी है, तो मैं शो करूंगा और ये मुझे जून मंथ की दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट सबको पीपी दिखा देगा वो। सपोज योगी शर्मा को मैंने एबसेंट करना है आज की डेट में, 9 तारीख को, मैं उसको एबसेंट कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद यहाँ से उसकी सैलरी पोस्ट हो जाएगी, जून मंथ की यहाँ से जनरेट सैलरी ये पोस्ट हो गई यहाँ से। अब मैं योगी शर्मा का आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा, तो इसकी जून की इतनी मैंने उसकी एक कैप्शन डाली थी, ये तो वो 29 डेज की दिखा रहा है, और जुलाई की भी उसकी बन चुकी है, शायद एडवांस में मैंने बना के रखी है, ये 12,000 उसकी 12,000 रुपये महीने सैलरी है, तो ये स्टेटमेंट उसने दिखा दिया सॉफ्टवेयर। ऐसे ये यूटिलिटी है, इसमें सेट वर्किंग डेट, कैलकुलेटर, ये सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये पर्चा है, ठीक है। ऐसे ही राइट साइड में आपको ये शॉर्टकट कीज मिल रहे हैं, ये शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, F3 से आप F3 प्रेस करोगे तो ये हमारे सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग्स होती हैं, उस हिसाब से आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। आप F10 प्रेस करोगे तो आपकी कैश रिसिप्ट ओपन होगी, F5 प्रेस करोगे तो बैंक रिसिप्ट ओपन होगी, ये शॉर्टकट के हिसाब से आपको फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद ये आपका कैलेंडर है, सपोज आज की 8 जुलाई की डेट में कितनी रिसीप्ट हुई, कितनी रिसीप्ट कटी, कितनी पेमेंट आपने दी, और कैश इन हैंड मेरा आज की डेट में क्या है, ये सारा डाटा उस हिसाब से आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा।
तो ये भट्टे का सॉफ्टवेयर का डेमो है, फुल फ्लैश। वेरी वेरी थैंक यू।